तो ना रहा मेरा नहीं। आप देख रहे हैं पीजे ब्लॉग्स। इतने दिन बाद हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम दोबारा से अब, लेकिन हमारे भाई लोग आ चुके हैं। ये हमारा एडिटर भाई, वो तो जाते हैं, हमारा अनुप भाई, और ये कैमरामैन पे हमारे विष्णु जी खड़े हुए हैं। ये हमारे विष्णु जी हैं नए ब्लॉग में स्वागत करते हुए। यूनिक जगह से स्टार्ट हो रहा है, हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है। जा रहे हैं पंजाब। पंजाब में है एक गुरुद्वारा जहाँ पे मतलब आँखों में। कौन सा गुरुद्वारा, नाम बोल? कारी साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पे क्या है चश्मा हटाने की दवाई मिलती है, और वहाँ हम जा रहे हैं चश्मा हटवाने। ये पीयूष भाई, अपना पंकु भाई, भाई दो हमारे सपोर्टर हैं चश्मा हटाने के लिए। भाई चश्मा उतर जाएगा, मतलब ऐसी सिक्योरिटी है, हमारा चश्मा उतर ही जाएगा। और पूरी डिटेल जाननी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो स्क्रीन पे आ रहा है। विष्णु भैया कह रहे हैं कि असली है, तो अनुप भाई ये बोल रहे हैं कि असली है। अरे कहना क्या चाहते हो? अनुप भाई कह रहे हैं नकली है, और विष्णु भैया कह रहे हैं असली है। विष्णु भैया कह रहे हैं कि इन्होंने ये जो ढांचा है 2-1 करोड़ में खरीदा है पूरा। पूछा किसी ने? बोल रहे हैं ऐसे कि ये दोनों इस बात पर हो रही है तगड़ी डिबेट। जब से चल रहे हैं ना तब से डिबेट ही चल रही है, छू के चेक करेंगे। अनुप भाई तो ये बोल रहे हैं कि जो टायर हैं वो असली है, और ये जो बॉडी है वो नकली है। विष्णु भैया कह रहे हैं असली है, क्योंकि ये भैया इनका काम जो है ना कंस्ट्रक्शन का ही है, इसलिए कह रहे हैं असली में बोल्ट रहते हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। जो इसका नीचे का स्ट्रक्चर है खड़ा हुआ है उसको इन्होंने एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, वो बना रखा है, मतलब पूरा बेस जो है इनका नीचे का वो ओरिजिनल है, तो भैया फिर अपने डेस्टिनेशन के लिए अब डायरेक्ट जहाँ तक है वहीं गाड़ी रुकेगी और वहीं जाएंगे सीधे। चल दिए भाई सारे भैया, कैसे बना रहा है इतनी गाड़ी के क्या रखा कर हो गया थे, बदले हम थे गाड़ी भाई साहब, बिल्कुल लैंड क्रूजर बना रखी है। व्हील व्हील लगा लोगो के सिस्टम केड़े कर रहा को, और टैक्सी में चला रहा है। टैक्सी में भाई साहब, टैक्सी में नंबर है प्लेट नंबर देख रहे हो 7555। भाई ये नई टेक्नोलॉजी आई है सीएनजी भरने की, देखियो। हमको लग रहा है कि ये वाटर कूलर है, मेरे को लग रहा है ये वाटर कूलर है, बट ये सीएनजी पंप ही है बहुत तगड़ा। और सीएनजी वाले भाई कह रहा है कि इससे स्लो बनती है सीएनजी। भैया होगी नींद पूरी? गुड मॉर्निंग गाइस, 6:04 हम पहुंच गए हैं यहाँ पंजाब में। होटल है, महफिल है पंजाब, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेंगे और फ्रेश व्रेश होकर चाय वाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे आँखों में दवाई गिरवाने। तो गाइस हम आ चुके हैं पंजाब में तारी साहिब गुरुद्वारा, जो चमकौर जगह पे है, और यहाँ पे चश्मा उतारने की दवाई मतलब आँखें तेज हो जाती हैं, ऐसी दवाई गेरी जाती है। तो भैया मेन डेस्टिनेशन हमारी यही है। ओ एचआर 51 की भी लग रही है पहली गाड़ी। तो भाइयों ये है तारी साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पे आँखों में दवाई गेरी जाती है, और चश्मा 4-5 दिन रेगुलर दवाई गिरवाओगे तो चश्मा उतर जाएगा। विष्णु जी को कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लग गया लग रहा है, बहुत ज़्यादा लाल हो रही है दोनों की, दोनों लाल गए हो रही है, ये भी रो रहा है। अब जाते हैं, तो गाइज अब यहाँ से जा रहे हैं चमकौर साहिब गुरुद्वारा, जो कि यहाँ पे है थोड़ा दूरी पे, बहुत बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। थोड़ा यहाँ घूमते हैं मार्केट वार्केट, थोड़ा रेस्ट करते हैं। भाई दवाई डलवा के यहाँ पे आए हैं, यह है गुरुद्वारा, वहाँ स्कूल है गुरुद्वारा है, यहाँ ऐसे रूम मिले हैं भाई, रूम बहुत ठीक है, कोई दिक्कत ना है। जलंधर विच आने सी कुल्लड़ पिज्जा खाने सी हमारा भाई ऑल सेट हो चुका है, और यहाँ सब अपने नहा धो के सेट हो गए हैं, हम यहीं पर रुके हुए थे गुरुद्वारे में, अब यहाँ से निकल रहे हैं दवाई गिरवा के। एक और बार दिन में 3 बार गिरवाते हैं ना दवाई, तो एक और बार और गिरवा के आँख की दवाई, तो यहाँ से निकल रहे हैं फिर। और हमने अब रंगीन वाले चश्मे पहन लिए हैं, और हम थोड़ा कलरफुल सा हो गए हैं,
और यहाँ एक अभी किला है दास्तान शहादत, वहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं ब्लॉग में, हम वहाँ का भी डालेंगे क्या सीन है वहाँ। हाँ जी, अब यहाँ लंगर करेंगे, इसमें पंडाल है, ये लंगर होता है, अब लंगर दिखाएंगे क्या क्या मिलेगा। तो भाइयों, हम आ चुके हैं दास्तान शहादत, निःशुल्क चार्ज नहीं है, बस ये आईडी मांगते हैं, आईडी दो और जाओ अंदर, आईडी दिखाना पड़ता है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है ये। ये हमारी एंट्री हो चुकी है पास दिखा के, हम जहाँ से आए हैं वो ये गुरुद्वारा है, हम वहाँ से आ रहे हैं अभी। बहुत बड़ा भी है यहाँ पे, बहुत टाइम भी लग जाता है, मूवी में ही 2 घंटे लग जाते हैं। गाइज, यहाँ की फिल्म बहुत अच्छी है, एक बार आओ तो देखना। और यहाँ पे ये देखो, 2 तलवारें खड़ी हैं, ये भाई 40 स्तंभ हैं उनके, वो जो शहीद हुए हैं यहाँ के। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं कुल्लड़ पिज्जा पे, बड़ी मशक्कत से पहुंचे हैं यहाँ। यहाँ नहीं है क्या? आगे पहुंच गया। यस वाइट, वो जो पीछे दुकान दिखाई वो नई दुकान बन रही है इनकी, ये पुरानी दुकान है। ये वो ये भाई जो इंस्टाग्राम पे फेमस कपल है, ये देखो। ये भाई जलंधर में है, जलंधर सी। देख गाड़ी वाले तुम्हारी, यहाँ क्या दिक्कत है भाई? अमृतसर तो पहुँच गए, मगर बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है यहाँ, और यहाँ थोड़ी सी दूरी पे है अमृतसर, तो 5-1 मिनट की दूरी पे होगा अमृतसर, कह रहा हूँ गोल्डन टेम्पल। पार्किंग के चक्कर में दिमाग खराब होगा खाली पीली। अभी हमरे वो गोल्डन टेम्पल दिखावा है तुम्हें भाई साहब, मार्केट तो बढ़िया बन रही है। तो भैया कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया, मौज आ रही है काफ़ी, मौज आ रही है भैया। तो भैया तो सफाई वाले भैया, भाई अमृतसर में खुल्ला सांड मिल गो, खुल्ला सांड भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ तो। जूता घर में जूता रख के बड़ी मुश्किल था जो जूता रखे, अब अंदर जा रहे हैं। चलो गोल्डन टेंपल, लाइट ज़्यादा चमक रही होगी, लो थोड़ी सही से करते हैं हम। ये लो भाई, देख मछली घूम रही तालाब कुंड में, ये वाली कलर वाली देख, कलरफुल मछली कितनी बड़ी बड़ी है, और बहुत सारी है, देखो वाली ब्लैक के बाद आए हैं पंजाबी ढाबा पे, और आगे है गोल्डन टेंपल, और ये हम सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। और ये सस्ता सूखा कैलोन, ये देखो कैस, एक मार ऑर्डर ऑर्डर अब बढ़िया। अरे इधर तो कर ले मुँह यार, इधर तो कर ले, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमृतसर की गुड मॉर्निंग, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये इस होटल में हम ठहरे हुए थे, बहुत अच्छा स्टे है, एकदम टकाटक, हमारे विष्णु जी एकदम मुक्के ना धोके। तो भाइयों, ये है जलियांवाला बाग, इसके अभी हम अंदर जा रहे हैं, और यहाँ सीधे चले जाओगे तो गोल्डन टेम्पल है, सीधे ऊपर से दिख रहा होगा हल्का सा। तो हम जा रहे हैं अंदर जलियांवाला बाग में, तो कोई ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का। तो यहाँ वो कुआ है जहाँ पे वो लाश फेंक दी थी, और वहाँ वो गोलियों के निशान के फोटो जैसी लग रही है। यहाँ गोलियों के निशान है, ये देखो वाइट मार्क हो रहे हैं।
और दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ के लोकलिटी देखो क्या, सुबह सुबह पार्क में मीटिंग चल रही है, उस चीज़ का भी अलग ही मज़ा है। तो भाइयों जो ये वाइट मार्क हो रहे हैं, गोलियों के निशान है। यहाँ पे ऐसी बहुत जगह बनाए हुए हैं कि मार्केट है, और ये सुबह का नज़ारा है। यहाँ सुबह से और रात तक 24 घंटे इतनी ही भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत तगड़ी भीड़। तो भाई हरियाणा में एंटर हो चुके हैं, पंजाब छोड़ के अंबाला आ गए। जय भारत जय हरियाणा। आगे तो खाली है, एक्सीडेंट है का, जाम लग रहा है भाई, जाम एक्सीडेंट हुआ, इसको कहते हैं जाम भाई। यहाँ एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा, और बाइक वाइक सब टूट गई है। ये देखो बाइक का हाल, उसने भैया ने मदद करवा दी थोड़ी सी, पूरी टूट की बच गई, पीछे का गाड़ी तो है। गाड़ी का वो इंसान बच जाए, बस बच गया, गाड़ी तो दोबारा अभी जिंदा है। अच्छा ले जाओ, ले जाओ हॉस्पिटल। भाई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, रोड जाम हो रही पूरी। गाइस हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र, और यहाँ एक ब्रह्म सरोवर है, ये इतना बड़ा, जो ये वो है तुम्हारा क्या नाम है, जहाँ युद्ध हुआ था महाभारत का, ये वो भूमि है। यहाँ एक सरोवर बन चुका है, युद्ध भूमि नहीं रही है, और यहाँ एक बीच में एक मंदिर भी है। ए यहाँ है वो मंदिर, ये बीचों बीच बना हुआ है। और हमारे लौंडे फोटोग्राफी करते हुए वहाँ पे, ये रहा पंकु भाई और ये रहा विष्णु जी। तो भाई सारा वो बन रही है, महाभारत की पिक्चर बना रखी है। तो गाइज हम यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, और हमने यहीं कुरुक्षेत्र से अब हम अपने घर की ओर निकल रहे हैं, और यहाँ से अपना घर थोड़ा दूर तो है लेकिन पहुँचने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़रूर करें, और वीडियो में कैसा लगा आपको, क्या अच्छा लगा नहीं लगा ये ज़रूर बताएँ। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।